जी वेल वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं आज वेमेन इंटरनेशनल वेमेन डे है और हम आपके साथ मना रहे हैं ये दिन और आपको मज़ेदार आपके साथ गेम्स खेलेंगे, आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं और हमारी बहुत फेवरेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाइफ कोच, जिनसे हमें सीखने का बहुत मौका मिलता है और उनका फीड जब भी वो आती हैं तो लोगों की जो ईमेल्स होती हैं बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है। तो आज हम फाकिया से बात करेंगे। जी फाकिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नूर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। आलमी दिन, ऑल इज़ वेल, कूल गाना है इस। अच्छा, आलमी दिन के हवाले से क्या करेंगी ख्वातीन के, क्या कहना चाहेंगी? हमारा दिन है, सेलिब्रेट करें, अच्छे से कपड़े पहने, खूब मजे का मेकअप करें, बाहर निकलें, ये नहीं कि जाके शॉपिंग करना शुरू कर दें, बट ये भी सोचें कि और भी जिंदगी में क्या क्या काम है। और एक लम्हे के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज हमारे लिए कि हम एक लम्हे के लिए बैठ के सोचें जरूर कि मैंने सफर कहाँ से शुरू किया था, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। यू नो, क्योंकि हम खवातीन आमतौर पर हम वो किचन में खाने बनाने में बच्चों को नहलाने में हमारा एम नहीं बनाते हम लोग। अच्छा, ये वैसे बहुत मेरा साथ भी ये है कि मुझे अल्लाह की तरफ से जो भी हुआ, लेकिन एम बचपन में बनाया था वो अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट एम नहीं सोचा कि क्या करना है। जब आप बस फिर एक, हम खुला छोड़ देते हैं अपने आप को। एक कोई चीज एम बना लेना आपको तो वो आपको मिलती ही मिलती है। बिल्कुल मिलती है, यू वर्क टुवर्ड्स दैट एज वेल। और जरूरी नहीं है कि एम ये है कि जी आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाके कुछ करना है, पर्सनल लाइफ में भी आप देखें कि जहाँ पे मैं आज हूँ मैंने आगे ग्रो कैसे करना है, यू नो, आगे कैसे बढ़ना है, अपना दिमाग को मजीद कैसे खोलना है और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में। अच्छा वाकई आज मैंने क्वेश्चन ये किया कि अगर आपको मतलब किसी कोई सबसे ये सवाल करें कि कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे लोग द वे यू नो एवरी वुमन गो थ्रू दिस, कि मर्द हजरात आप रोड पर जा रहे हो साइकिल वाले से लेकर मर्सिडीज वाला तक और सारे मतलब द वे दे लुक एट यू, लुक एट एनी वुमन, वो आपको इतना बुरा लगता है, इंसल्टिंग लगता है, या फिर आपको तंग कर रहे हो, हरास कर रहे हो, बातें कस रहे हो, गाड़ी के पीछे लग रहे हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ कभी? हुआ ही होगा, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं कि कभी ना हुआ ही होगा, आई एम श्योर, लेकिन हाउ यू डेल्ट विद इट? देखो, आई टेल यू वन थिंग, कॉन्फिडेंस बड़ी चीज है और बड़े आराम से आपको कई जगहों पे जो है ना कवर कर जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके पास कई दफा इस किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे आई थिंक सो दूसरा बंदा भी जज कर रहा होता है कि अच्छा इसमें कितना कॉन्फिडेंस है, असर्ट कर लेगी नहीं कर लेगी, एवरीबडी ट्राइज टू टेक अ लिटिल एडवांटेज। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में आप अगर खुद पे थोड़ा सा आपको एतमाद है और आप अपने आप को जरा सही तरह कैरी कर रहे हैं तो कई इस किस्म की बहुत सारी सिचुएशन से आप निकल के आ जाते हैं। अब मुझे याद है मैं एक दफा एक जगह पे सेशन चला रही थी, मैं जाहिर बात है उधर नाम नहीं बताऊंगी, और कोई खूब 50 लोग थे, सब मर्द हजरात थे और बड़ी इंटीरियर किस्म की जगह पे, वो कह लें कि सिंध के इंटीरियर में जाके वो एक सेशन था। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ लोगों की थिंकिंग कैसी है। अब एक खातून गई है और मैं वहाँ पे फुल सेशन चला रही हूँ, 50 बंदे बैठे हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, उसके बाद मुझे लगा कि ये तो फोकस ही कुछ और चल रहा है। और फिर यू नो, अब वही वाली बात है, ह्यूमर भी जो है ना बासुकात बहुत जगहों पे काम करता है। और मुझे याद है मैंने उनको उस वक्त यही कहा, मैंने कहा जी मुझे तो लगता है मैंने जंगल में आके बड़े नेकी का काम किया है, बड़ी खुशी हो रही मुझे कि आज मुझे सवाब मिलेगा। एंड दे वर लाइक के ना, यू नो, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। मैं कहा देखो, पहली दफा जंगल में आकर आपको कोई खातून देखने को मिली है, यही नेकी का काम सही। बट यू नो देन देयर वाज अ जोक, आई शेयर्ड दैट जोक विद देम एंड ऑल दैट, एंड आई टेल यू सारा दिन इतना अच्छा मेरा उन लोगों के साथ गुजरा, जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी, जितने अच्छे तरह से उन्होंने बात की, ये वो। तो आई थिंक सो हर कोई शुरू में थोड़ा सा जज कर रहा होता है आपको, बट फिर आप अपने आप को किस तरह से कैरी कर रहे हैं, किस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं दूसरे से, आपका अपने ऊपर कितना एतमाद है, कितनी स्पेस आप दूसरे को दे रहे हैं। और एक एक्सप्रेशन भी होता है ना आपका, मैंने तो एक्सप्रेशन फिक्स किया होता है कि मतलब डोंट टॉक टू मी वाला, कि बात मत करना मुझसे। बाकी एक कॉलर है हमारे साथ, जी मैमूना फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। नूर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? आपको ख्वातीन का आलमी दिन बहुत मुबारक हो सबसे पहले। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपका दिन है इसलिए आज तैयार शहर होके अपनी मर्जी का खाना बनाना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि एक अजम आज, बल्कि आपने कुछ सोचना है कि ये आपने कुछ अपनी जिंदगी में ये करके दिखाना है। हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैंने नया काम शुरू किया है उसका, बुटीक का। अच्छा। और अभी सुबह मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि आज वुमेन्स डे है, तो फिर उन्होंने मुझे विश किया, फिर वो गए हैं। वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, आपने बुटीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ हम खेलते हैं समझदारी की गेम, आप लाइट आ रही है सबसे पूछती हूँ। हाँ जी आ रही है। चलें फिर आप एक क्लिप देखें फिर मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपकी हेल्प कर दो? नहीं नहीं शुक्रिया बहुत। अरे कोई बात नहीं, बच्ची आपके साथ है, कहाँ आप इतना भारी सामान उठाएंगे? मैं उठा लेता हूँ, चले आए। शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ ठंडा वगैरह पियेंगे?
नहीं शुक्रिया बहुत। नहीं नहीं मैं ले आता हूँ अगर आप कहें। नहीं नहीं प्लीज। आप कहाँ रहती हैं, कराची में या विजिट पर आई हुई हैं? नहीं जी मेरी अम्मी यहाँ रहती हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। वैसे आपकी शक्ल मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती थी, उसकी आंखें बिल्कुल आपकी आंखों की तरह थी। आप मुझे जानी पहचानी लग रही हैं। अच्छा आप मुझे जरा अपने टिकट दिखाएंगी? शायद बोगी में भी एक साथ पास पास बैठने का मौका मिल जाए। ऐसी सिचुएशन तो बड़ी दफा हमारे साथ जिंदगी में हो चुकी है। वो टिपिकल लाइन होती है ना, आपकी शक्ल किसी से मिलती है, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ। आप बताएं जी मैमुना, आप बताएं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में, अब इस औरत को क्या करना चाहिए? इसको आई थिंक इसको उसको टिकट नहीं दिखानी चाहिए एक तो, और अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उठ के कहीं और चली जाती, उससे रिस्पॉन्स ना देती, ना उससे कोई बात करती। लेकिन ये चीजें अपनी जगह क्यों छोड़े? उसकी नहीं, उसका फेस देख के, एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि वो कुछ ठीक नहीं है, बातें जो कर रहे हैं ना। भाई हमारी तो इग्नोर करना चाहिए, इन अ सेंस के इग्नोर करना चाहिए। सारी खवातीन बड़ी समझदार हो गई है। वेरी गुड भाई, जबरदस्त जवाब आपने दिया। आई एम श्योर इवन मैं भी आपसे अग्री करती हूँ, इवन फाके भी अग्री करेंगे कि बेस्ट ही होता है कि आप इग्नोर करें, आप उठें और उठ के वहां से चले जाएं और उसके पहली बात का ही जवाब ना दें। हां जी हां। और नूर आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आपके लिए हम आपको मैं गिफ्ट दे रही हूँ, टीका ओडो की मेकअप किट। ये बताएं कि जिंदगी में आपको क्या लगता है कि क्या अचीव किया आपने? मैंने मेरे माशाल्लाह दो बेटे हैं। अच्छा, और मैरिड हूँ तो बस मेरी अचीवमेंट यही मतलब है। मतलब आप प्राउड मॉम हैं, इससे हाँ, बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, वही ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों को ऐसे ही खुश रखे और बच्चों को बहुत प्यार दीजिएगा। आमीन, आमीन। और जो भी आप कर रही हैं, बुटीक बना रही हैं, अल्लाह करे आप बहुत भी बिल्कुल अभी तो स्टार्ट लिया है, अभी थोड़ा सा डर भी लगता है। अगर आप स्टार्ट करें, ड्रेसेस बना लें, फिर मुझे भी भिजवाइएगा, मैं पहनूंगी शो में आपके ड्रेसेस। ओके जरूर, ठीक है। आपसे रब्ते के लिए मैं मेल करूँ? जी आप ईमेल कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा नूर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी मैं पूछना भी चाह रही थी आपसे, मुझे तकलीफ हो रही थी कि कुछ तो बोल दूं यहाँ पे रहना जाऊं। बताए बताए। अच्छा दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, आई एग्री विद द वुमन जो कि जिन्होंने भी माशाल्लाह कॉल किया, और उन्होंने बड़ी सही बात की। हर वो कहते हैं ना, हर बैटल जो है फाइट करने के काबिल नहीं होती, तो एट टाइम्स यू हैव टू इग्नोर एज वेल, रादर देन कि जी आप जाके हर जगह आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दें और सारा कुछ। दूसरी बहुत बड़ी चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब इस क्लिप में अगर आप देखने तो जब वो लड़का बात कर रहा है तो द वुमन वाज वेरी अनकंफर्टेबल, एंड यू नो वो लग रहा था कि अनकंफर्टेबल है, बट सोच नहीं कि अब मैं क्या करूँ। ये आप जो अपने जिस तरह से जो आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो आपके अपने फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मर्द भी आप मतलब बाज ही नहीं आते, कुछ ढीट हो जाते हैं ना, ढीट। मैंने देखा इतने ढीट, जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी ना स्पेशली प्लेन में, बहुत इरिटेटिंग। मैं एक उनको जाके काउंटर पे कहती हूँ प्लीज मुझे किसी खातून के साथ सीट दीजिए, मुझे बैठी हुई होती है, वो कहती नहीं जी इसमें लिस्ट में नहीं आता, आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करिए। और मोस्टली ये होता है कि औरतों के साथ नहीं, कोई ना कोई बंदा बैठा होगा, एंड देन द पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग एंड ही विल प्रिटेंड कि ही डजंट नो मी। वो होगा कि अच्छा वही वाली बात जैसे ये कर रहे थे सेम, कि आपकी शक्ल जाने पहले सारी बातें करके सर खा के उसके बाद जाने बचानी बातें, उसका बेस्ट तरीका यही होता है। देखें अब जिस तरह का काम हमारा है तो हमारी ट्रैवलिंग खासी आना जाना रहता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यूजली व्हेन आप बैठे होते हैं दो मर्दों, अगर आप अव्वल तो जैसा मैं हमेशा आयल की सीट के बगैर नहीं बैठती, इन केस अगर आप कभी इस तरह बैठे कि दरमियान में आपकी सीट है और साइडों पे दो आदमी बैठे हैं, तो आदमियों को एक कहने के उनको लगता है उनका बॉर्न राइट है कि जो आर्म रेस्ट है उस पे उन्होंने रखनी है ना, बाजू उनका होगा और आप यूं करके जो है बीच में फिट होके बैठे हैं। सी बहुत फर्क पड़ता है उम्र के साथ भी, कॉन्फिडेंस के साथ भी, एक्सपीरियंस के साथ भी। आई डोंट डू इट एनी मोर, मैं जाके बैठती हूँ, ठीक है मेरी भी जगह आराम से, अपना भी बाजू आम, नो आई विल पुट माय आर्म, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत वो खुद ही आगे कर लेता, उसको भी एहसास हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यही वाली इसी केस में भी जैसे था, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, इन चीज़ों से शो होता है। और कॉन्फिडेंस की मार खासी जबरदस्त किस्म की होती है, ये भी लेकिन ये भी वीक भी हो जाते हैं ना, आपको डर लगता है, जैसे वीक हो जाते हैं। जैसे मुझे अगर मेरे से कोई इस तरह बात करे ना तो मैं जितना, और फिर ढीठ लोगों के को नहीं मैं कर सकती, मैं एकदम से हो जाती हूँ। मैं एक बड़े मजेदार वाकया शेयर करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, आपको वाकया सुनने वाला है, और मेरी जिंदगी का पहला वो वाकया था, मैं शेयर करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लें, कहीं मत जाएगा, चैनल भी मत चेंज करेगा, बिकॉज यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी, टेक केयर।